डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं इनस्पाइट ऑफ स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट के प्रैक्टिकल यूजेस कि आपको कब इसे पर्सन के साथ यूज करना है। जी हां, कब इसे आपको वर्ब के साथ यूज करना है और कब इसे किसी पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज करना है। याद रखना, जब आप पर्सन के साथ यूज करेंगे तो इसके साथ लगेगा बिंग, जब आप वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होगा, और जब आप किसी थिंग्स के साथ इसे यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें लगाना होगा हैविंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये है क्या भाई, ये तीनों वर्ड आपके प्रिपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ भी आपका प्रिपोजिशन है, स्पाइट ऑफ आपका प्रिपोजिशन हो, डिस्पाइट भी आपका प्रिपोजिशन हो, और इन सब का एक ही मतलब होता है इसके बावजूद। जिसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसने ऐसा किया, इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड पर्सन ही डिड सो। एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो लोगों का इलाज नहीं करता है, इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड डॉक्टर ही डजंट ट्रीट पीपल। सो आप जब इसका सेंटेंस बनाओगे तो आप इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाओगे, इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड डॉक्टर, इसका हिंदी मतलब होगा एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी ही डजंट ट्रीट पीपल, वह लोगों का इलाज नहीं करता है। आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि आप सेंटेंस की शुरुआत ही डजंट ट्रीट पीपल इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड डॉक्टर। तो अब आप देखो यहां पर आपने क्या अप्लाई किया, बींग का उपयोग किया किसके आगे, डॉक्टर के आगे, जो कि एक पर्सन है। तो पर्सन के साथ आपको किसका उपयोग करना है, बींग का उपयोग करना है। ऐसे ही कोई थिंग्स हो गई, जैसे मैंने कहा पैसे होने के बावजूद भी वो पैसे खर्च नहीं करता, पैसे क्या है, चीजों में आते हैं, थिंग्स में आते हैं, तो मनी जो है उसके लिए यूज करेंगे हैविंग। हम जब इसका एग्जांपल हैविंग का लिखेंगे तो हम लिखेंगे पैसे होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। अब मैं यहां पर बिंग मनी नहीं लिख सकता बिकॉज वो पर्सन नहीं है, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी और बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही डजंट स्पेंड, ही doesn't spend, मतलब वो पैसे खर्च नहीं करता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी डील नहीं है, नॉट अ बिग डील, आप आसानी से समझ सकते हैं। पर्सन के साथ आपको क्या लगाना, बिंग, चीजों के साथ आपको क्या लगाना, हैविंग, उससे पहले इन स्पाइट ऑफ, और अगर हम बात करें इन स्पाइट ऑफ और स्पाइट ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस है, सो लेट मी टेल यू देयर इज नो डिफरेंस। आप जहां इन स्पाइट ऑफ लगा रहे हो उसकी जगह स्पाइट ऑफ लगा सकते हो, और उसी की जगह आप चाहे तो डिस्पाइट वर्ड को भी यूज कर सकते हो। लेट मी टेल यू, ऑल दिस थ्री वर्ड्स आर एक्चुअली प्रिपोजिशन जो कि एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं, बट याद रखें डिस्पाइट के साथ आप ऑफ अप्लाई नहीं करें, डिस्पाइट को अकेला ही आप यूज करें। चलो बात करते हैं हम लोग वर्ब की। जिसे मैंने कहा खाना खाने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, पढ़ाई करने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग डिस्पाइट स्टडिंग, वो फेल हो गया, ही फेल्ड। मैंने कहा अच्छा खेलने के बावजूद भी, डिस्पाइट प्लेइंग वेल, उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। Now you can see, despite playing well, he was not selected. आप ये भी कह सकते हो dear students कि in spite of playing well, अब यहां play verb है इसलिए उसमें ing लगा है, in spite of playing well, अच्छा खेलने के बावजूद भी he was not selected, उसका selection नहीं किया गया, he was not selected. तो अब आप देख सकते हो verb में हमने क्या लगाया ing, money जो कि things है उसके आगे हमने क्या लगाया having, और एक अच्छा डॉक्टर जो कि एक पर्सन है इसके आगे हमने क्या लगाया बिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली है क्या इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, जो कि तीनों प्रिपोजिशंस है, तीनों का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, और कमेंट करके मुझे काफी सारे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और स्पाइट के एग्जांपल्स कमेंट में लिखकर बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई में ये सेशन समझ में आया। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।